नमस्कार, वीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। जल ही जीवन है, मगर जीवन समान इस जल की आप कितनी कदर करते हैं, इस बात को जरा खुद से पूछिए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पानी खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। इस किल्लत का सामना सबसे ज्यादा दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के लोगों को करना पड़ेगा। यानी कुछ समय बाद ही करीब 10 करोड़ लोग पानी ना होने के कारण परेशानी का सामना करेंगे। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीवन समान इस जल को आप लोगों ने कितनी अहमियत दी है। मगर अब देश में पानी की बर्बादी करने वाले लोग जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि अब पानी की बर्बादी नहीं सही जाएगी। जी हाँ, अब अगर आप में से कोई भी पीने के पानी की बर्बादी करता है तो आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार देश में पीने के पानी को बर्बाद करने पर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा भुगतना होगा। CGWA ने पानी की बर्बादी पर बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 8 अक्टूबर 2020 को पर्यावरण कानून 1986 की धारा 5 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस आदेश को जारी किया है। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजेंद्र त्यागी और गैर सरकारी संस्था फ्रेंड्स की ओर से बीते वर्ष 24 जुलाई 2019 को पानी की बर्बादी पर रोक लाने की मांग वाली याचिका पर पहली बार सुनवाई की थी। बहरहाल इसी मामले में करीब 1 साल से ज्यादा समय के बाद 15 अक्टूबर 2020 के NGT के आदेश का पालन करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन CGWA ने आदेश जारी किया है। अब बगीचों में घंटों सिंचाई करने वाले जरा ध्यान दें, गाड़ी को चमकाने वाले थोड़ा सुने, नल का टैप चालू रखकर ब्रश करने वाले याद रखें। अगर यूं ही पानी की बर्बादी करते रहे तो भरना होगा 1,00,000 रुपए का जुर्माना और जेल में बितानी होगी 5 साल की सजा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखिए वीके न्यूज़।